हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे फ्यूजी एफसीआर में हम जो एक्सरे होता है उसको रीड कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको सिंपली अपने डेस्कटॉप में एफसीआर जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसको ओपन कर लेना है। और सबसे पहले आपको यहाँ पर एक न्यू पेशेंट आईडी डालनी है। तो न्यू पेशेंट आईडी में हम लोग आज का एक्सरे नंबर, जैसे कि मैंने यहाँ पर 27 टाइप कर दिया है, ये आप देख सकते हैं, और ये आज का डेट यहाँ पर डाल दिया, ये हमारी पेशेंट आईडी हो गई। इसके बाद आपको पेशेंट नेम में चले जाना है, और पेशेंट नेम में आपको जिस भी पेशेंट का आपने एक्सरे किया है वो यहाँ पर डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पर आप फिल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेशेंट का नाम डाल दिया है, इसी के साथ इनका एज भी डाल दे रहा हूँ, और इनके जो डॉक्टर हैं उनका भी मैं नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये आप चाहें तो लिख सकते हैं आपके हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पे सेक्स आपको भरना होगा, किसका आपने एक्सरे किया। इसके बाद जो आपको ये एरो का आइकॉन दिख रहा है, इस एरो पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपने जिस भी बॉडी पार्ट का एक्सरे किया है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे आप चेस्ट का देख सकते हैं, चेस्ट का अगर आपने नहीं किया है तो फिर यहाँ पर ये अदर का जो आपको ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद आपके जितने भी बॉडी पार्ट होते हैं उनके सारे एक्सरे आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर हेड है, नेक है, चेस्ट, एब्डोमेन है, तो मैंने चेस्ट एपी किया है, तो मैं चेस्ट एपी को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। और इसके बाद ये स्टार्ट स्टडी का आपको ऑप्शन मिल रहा है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कमांड मिल जाएगी, आपका जो सीआर है, कैसेट रीडर है, उसमें आपको अब कैसेट लगानी है। तो आपने जिस भी कैसेट में एक्सरे किया है उसमें उस कैसेट को सिंपली अपने सीआर में लगा देनी है। तो अब मैं कैसेट को लगा रहा हूँ, तो कैसेट लगाने के बाद धीरे धीरे आपका जो डेस्कटॉप है उसकी मेन स्क्रीन पर इसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे एक्सरे का जो इमेज है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चेस्ट एपी हमने प्रोटोकॉल यहाँ पे सेट किया था वो रेड हो चुका है, और अब धीरे धीरे यहाँ पे इमेज आनी स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्टिंग में जो आपको इमेज है वो थोड़ी ब्लर दिखाई देगी, और जब इसका टाइमिंग पूरा हो जाएगा, स्कैन ये कर लेगा, एक कैसेट को रीड कर लेगा, तो एक्सरे आपको सही से दिखने लगेगा। तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं इमेज आने का। तो आप देख सकते हैं इमेज यहाँ पे आ चुकी है, एक्सरे हमने जो किया था वो आ चुका है। इसको हम अपने हिसाब से रोटेट कर लेंगे, और फिर इसको आप अगर इसका कंट्रास्ट, सेंसिटिविटी, लेटिट्यूड, ब्राइटनेस वगैरह फिक्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लेटीट्यूड बढ़ाया है, एमआरई को सेट किया है, और जब एक्सरे सही से दिखने लगा तो उसके बाद मैं हल्का सा कंट्रास्ट को भी एडजस्ट कर लेता हूँ, ताकि एक्सरे का जो भी है वो सही से दिखाई देने लगे। यहाँ पर मैंने कर लिया। इसके बाद अब हम सिंपली इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद जो एक्सरे है वो हमारे इमेज वर्क में चले जाएगा। तो इमेज वर्क को मैं ओपन कर लेना हूँ, और सर्च पर आपको बार बार क्लिक करना है तो ये आ जाएगा सबसे ऊपर ही। इस पर आप डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं इस प्रकार से। फिर आपको जाना है ये प्रिंट का जो ऑप्शन दिख रहा है, प्रिंट पर। प्रिंट पर जाने के बाद आप इसको, इस इमेज को सिलेक्ट करना है, और आप पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में जिसमें भी प्रिंट देना चाहते हैं आप प्रिंट दे सकते हैं। इसको सही से आप जमा लेंगे। ये मेडिसिन का पेशेंट है, तो इसमें मैं सारी रिप्स नहीं दे रहा हूँ, इसमें मैं केवल लंग्स दिखा रहा हूँ। अगर ऑर्थो वाला पेशेंट है तो आपको सारी रिप सही से दिखानी है। इसके बाद मैं यहाँ पे मार्कर लगा देता हूँ। मार्कर लगाने के बाद ये जो एक्सरे है मैंने बैड साइड किया है, तो मैं यहाँ पे बैड साइड का भी मार्कर यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। इसके बाद जो भी आपने यहाँ पर प्रोसेसिंग की है इसको आप प्रीव्यू में जाके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक्सरे शो हो रहा है। तो अब मैं इसको प्रिंट देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप एक्सरे रीड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। फ्यूजी एफसीआर में ऐसा फिल्म प्रोसेसिंग होता है। अगर आपको अभी कोई इसमें डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या आपको कोई भी नए एक्सरे की जो भी क्यूरी है वो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।